नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजवीर देओल की फिल्म दोनों मूवी के फोर्थ डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह फिल्म अपने जो कि चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का जो कि कारोबार कर रही है, और साथ ही साथ राजवीर देओल की फिल्म दोनों मूवी को ऑडियंस की तरफ से कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सनी देओल के सबसे छोटे बेटे राजवीर देओल, जिन्होंने बॉलीवुड में दोनों मूवी से एंट्री ले ली है। आप लोगों को पता ही चले कि राजवीर देओल की फिल्म दोनों मूवी जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म को जो कि अवनीश यश बड़जात द्वारा लिखी गई है, यह फिल्म जो कि बहुत ही हटके है और बहुत ही डिफरेंट है। हालांकि रोमांटिक जो कि फिल्म है बहुत ही ज़्यादा चलती है बॉक्स ऑफिस पर, और वहीं दोस्तों रोमांटिक फिल्मों को ऑडियंस देखना पसंद भी करती है, और इसी का फ़ायदा उठाया अवनीश एस बड़जात्या ने। और वहीं आप लोगों को पता ही चले कि अवनीश एस बड़जात्या जो कि रोमांटिक फिल्में ही लिखते हैं, और उनकी रोमांटिक फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करती हैं और साथ ही साथ ऑडियंस का दिल भी जीतने में कामयाब रहती हैं। आप लोगों को बताया चले कि सनी देओल के जो कि छोटे बेटे राजवीर देओल और वहीं कनिका कपूर इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। और वहीं आप लोगों को बताया चले कि राजवीर देओल की बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी करी गई दोनों मूवी में, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के मामले में जो कि जितने भी यंगस्टर स्टार हैं उनको पीछे छोड़ दिया, और वहीं राजवीर देओल की बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड में चर्चा भी हो रही है। वहीं आप लोगों को बताया चले कि आज दोनों मूवी को जो कि चौथा दिन है बॉक्स ऑफिस पर, और यह फिल्म अपने आज के दिन चौथे दिन में अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, और यह फिल्म कम से कम दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि 40 से 50 लाख रुपया कारोबार कर रही है और सारे ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने जो कि सबसे छोटे सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की फिल्म दोनों मूवी देखी है तो आप लोगों को दोनों मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।